उद्धव गोपी संवाद स्थल है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये बराबर में आप देख रहे हैं ये जो उद्धव जी का मंदिर है और सामने उधर देख सकते हैं ये नंदगांव है। जो इधर आगे जाओ, जो यहाँ से देखिए आप, उस सामने नंद बाबा का मंदिर यहाँ से बहुत शानदार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो सामने ऊपर वो नंद बाबा का मंदिर है नंदगांव। तो इस समय जो हम नंदगांव में है, नंदगांव है ये इधर, और यहाँ पे जो है ये उद्धव क्यारी है, उद्धव क्यारी प्रेम धाम जो स्थल है, यहाँ से लगभग 400 मीटर है, हम वहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री उद्धव क्यारी प्रेम धाम उद्धव गोपी संवाद स्थल है, जहाँ पे उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था। जो श्री कृष्ण जी जो मतलब जब कृष्ण जी जो यहाँ से छोड़ कर जा रहे थे तो जो उद्धव जी थे वो उन्हें समझाने आए थे गोपियों को, तो उल्टा उन्होंने ही उसे मतलब गोपियों ने ही उद्धव जी को समझा दिया था। तो यहाँ पे कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, उद्धव मन नाही भय दस बीस, एक हतो जो गयो श्याम संग काहे देत अब सीख। तो यानी कि एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया, तो अभी हम जो आगे को चलते हैं और आ गया जो उद्धव क्यारी के दर्शन आपको कराते हैं और खुद भी करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो जो उद्धव गोपी संवाद स्थल है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये बराबर में आप देख रहे हैं ये जो उद्धव जी का मंदिर है और यहीं पे जो गोपियों से उद्धव जी का जो संवाद हुआ था वो हुआ था जब मतलब जो श्री कृष्ण जी यहाँ से छोड़कर मथुरा जाने लगे थे, शायद मथुरा ही गए थे, तो उन्होंने जो उद्धव जी से कहा था कि भी तुम जाकर उन्हें समझा के आओ। समझा के क्या, उद्धव जी को अपने जो ज्ञान पर बहुत वो था कि मैं उन्हें ये था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो दो मिनट में गोपियों को समझा दूंगा और जो उन्हें वो करके आ जाऊँगा। तो लेकिन जब वो यहाँ पर समझाने आए तो गोपियों ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया और वो जो समझाने की जो उनका प्रयास था वो जो सफल नहीं हो पाया। तो और बाकी पीछे जो महाराज हैं उनकी यहाँ पर कुटिया है जो देखभाल करते हैं और वो सामने उधर उद्धव कुंड है और यहाँ ये इधर पानी की टंकी बनी हुई है। वो बाकी पीछे का जो इलाका है ये सब जो वन विभाग का है, ऐसा फॉरेस्ट उसका है। तो इधर से आ जाओ, इधर से चल लें, इधर से आ जाओ। तो ये उद्धव जी का ही मंदिर बना हुआ, उद्धव क्यारी उद्धव गोपी संवाद स्थल के नाम से है ये जगह। आ जाओ। तो किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है भ्रमर गीत वगैरह के नाम से, वो सब यहीं का उनका वो है। और शायद ये कुआ है यहाँ पे, हाँ ये कुआ है जो बना हुआ। और ये इधर जो भोलेनाथ का मंदिर है सामने, महादेव है, हर हर महादेव। और ये जो घाट है यहाँ, मतलब ये जो कुंड है ये भी उद्धव कुंडी है, ये आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से बना हुआ। जल की स्थिति इसमें ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि भरा रहता है ना, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो कह सकते, लेकिन फिर भी जो पानी भरा हुआ साइड है इसकी कच्ची है और ये आने जाने का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे ये वृक्ष जो बहुतायत में मिलते हैं, इसे आप देखें गौर से, और अगर किसी को पता हो कि ये किस चीज़ का वृक्ष है तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं नीचे। आ जाओ। और जो मतलब वृक्ष इतने हैं नहीं है, कम है, या तो पानी का अभाव रहता हो या कुछ ना कुछ ऐसा ही है बारिश ना होने की वजह से। ये देखिए अब ये फूटने शुरू हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ एक चीज़ बहुत बढ़िया, वातावरण बहुत शांत है, एकदम शांत है, कोई चिक चिक खिच खिच कुछ नहीं है, बहुत ही शांत माहौल है। और पक्षियों की आवाज़ भी जंगल में से बिल्कुल ऐसी आ रही है। और सामने उधर देख सकते हैं ये नंदगांव है, जो इधर आगे जाओ, जो यहाँ से देखिए आप, उस सामने नंद बाबा का मंदिर यहाँ से बहुत शानदार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो सामने ऊपर वो नंद बाबा का मंदिर है नंदगांव। और यहाँ पे जो है ज़्यादा जो ट्रैफिक वगैरह है नहीं, और यहाँ पे रोक जो ये इन्होंने लगा रखी है ताकि जो आगे कोई बड़ी सवारी यहाँ से ना जाए, अगर कोई बस या वो भी आती है, श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यहीं पर रुकना है और यहाँ से आगे के लिए नहीं जाना। हम तो बाइक से आए थे तो हमने वहीं खड़ी कर दी, जो महाराज थे उनसे परमिशन ली कि कहीं ऐसा ना हो वो कहें कि भाई आप यहाँ को वीडियो बना रहे हो, तो परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी था। बिना परमिशन के हम जो कहीं भी ब्लॉग नहीं बनाते, पहले परमिशन लेंगे उसके बाद ही वहाँ पे हम जो ब्लॉग बनाना।
तो नंदगांव जो रोड है नंदगांव के पास में से ही बिल्कुल 400 मीटर की दूरी है ये, और ये है रास मंडल। आप देख रहे हैं सामने बोर्ड के, ये रास मंडल का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सामने। जब हम आते हैं, कच्ची सड़क है ये, रास्ता कच्चा है थोड़ा, कोई मतलब ऐसा कीचड़ नहीं है लेकिन कच्चा है। और ये सामने जो सारा जो स्थल है जो हमने आपको दिखाई दिया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जो प्रेस कर लें ताकि अगली जो वीडियो है हमारी वो सारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।